Hi everyone, bringing another video for you guys. This time we are driving from Tullamarine to Ascot Vale. Tullamarine ka exit aa gaya hai. Hum yahan se left exit lenge Tullamarine se aur aage jayenge Ascot Vale. ब्राइट सनी डे, आज सनी है और बहुत ज़्यादा विंडी है, तो आप गाड़ी की थोड़ी मूवमेंट भी फील कर सकते हैं और शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी. विंड की बहुत ज़्यादा विंडी है. एग्जिट ले रहे हैं, सामने सीधा जाएंगे तो मेलबर्न एयरपोर्ट आएगा. इस रोड पे हम तकरीबन 2.5 किलोमीटर सीधा ही जाएंगे और उसके बाद हम एग्ज़िट लेंगे बुल्ला का. एक अजीब सा नाम लगता है सुनने में, लेकिन ये है बुल्ला रोड. इसके स्पेलिंग ऐसे करते हैं BULLA, बुल्ला. स्पीड जोन दोबारा 100 से 80 हो गया है. और ये ड्राइव है तकरीबन 15 मिनट की यहाँ से लेके आगे एस्कॉट वेल तक. एस्कॉट वेल और जहाँ से भी मैं गुजर रहा हूँ ये सिटी के बहुत पास है. सिटी के पास होने की वजह से आपको पता होगा कि जितना सिटी के करीब होते हैं उतना महंगा होता है, तो ऐसा ही है. सिटी के पास है पर काफ़ी महंगा है. ये प्लेन खड़ा है लेफ्ट साइड पे, ये एयरपोर्ट है. ये प्राइवेट जेट के, जिनके प्राइवेट प्लेन्स होते हैं उनके लिए एयरपोर्ट है. और यहाँ पे प्लेन का हैंगर था. कैमरे से दिखा नहीं सक रहा, लेकिन लेफ्ट साइड पे प्लेन्स खड़े हैं काफ़ी सारे. ये है एसेंडन एयरपोर्ट. तो जिनका अपना प्राइवेट प्लेन्स होते हैं वो यहाँ पे पार्क करते हैं और यहाँ से फ्लाइट लेते हैं. और अगर आपको प्राइवेट चाहिए है वो भी अवेलेबल है यहाँ से. सामने मेरे एक वो है शॉपिंग सेंटर है जिसका नाम है DFO. इसका मतलब है डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट. और जितने भी ब्रांड आप सामने देख सकते हैं वो उन सब की फैक्ट्री आउटलेट है यहाँ. विच मीन्स यस, दे आर बिट चीपर देन द मार्केट प्राइस. अगर कोई आप जैसे नाइकी और ऐसे कोई शूज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी प्राइस में मिल सकते हैं शूज़ या क्लोथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ है.
सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं सिटी की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से सिटी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छी बात यह है कि सब अपने ला वेट कर रहे हैं सिग्नल खुलने का, जो मर्जी गाड़ी हो सब रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स कार है तो आप लाइट्स पे ना रुकें, इशारे पे ना रुकें। ये जो लाइट्स इशारा देख सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे है कि जब पेडेस्ट्रियंस ने गुजरना होगा तब ही ये लाइट्स रेड होंगी, यानी कि वो बटन आप देख सकते हैं जो नीचे लगा हुआ है तकरीबन हाफ अ मीटर या मीटर पे, तो आप देख सकते हैं इशारा बिल्कुल बंद हो गया। इट्स मीन के अब ये यहाँ से राउंड अबाउट शुरू हुआ था, राउंड अबाउट का रूल स्टार्ट होगा। अगर कोई पेडेस्ट्रियन होता, कोई पैदल चलने वाला होता, तो वो बटन प्रेस करेगा तो लाइट्स उसके लिए हमारी लाइट्स ये रेड हो जाएंगी, यानी कि हमें रुकना है। ये भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, तो क्योंकि ये बहुत बिजी रहता है अभी COVID-19 की वजह से। आप देखते हैं वैसे भी सैटरडे है, मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 9:45 का, तो इतनी ट्रैफिक नहीं है, अदरवाइज़ ये यहाँ पर ट्रैफिक होती है। मेरे राइट साइड पर जो एरिया है उसका नाम है एसेडन, बहुत अच्छा एरिया है, सिटी के पास है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। और लेफ्ट साइड पे मेरे लिंकन पार्क है। पार्क में जाना, वॉक करना, इट्स सो रिफ्रेशिंग। साइड पे ये चर्च है। तकरीबन यहाँ से और 7-8 मिनट की ड्राइव है एस्कोटवेल की, जो कि मैरी बर्नोंग एक एरिया है उसके पास है। सामने देख सकते हैं एक शॉप है थाई मसाज की, और लेफ्ट साइड पे है लिटल एम, जहाँ पे न्यू बॉर्न्स की, अगर आप अपने बच्चों की न्यू बॉर्न्स की तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, और ये है थाई मसाज। अगर आपको मसाज करवानी है सो यू कैन कम एंड गेट इट डन। जो लोग नई नई गाड़ी चलाते हैं मेलबर्न में, वो
हो उनके लिए यहाँ पे बहुत से ऐसे साइंस हैं जो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली रीड कर रही हैं और उसको फॉलो कर रही हैं। जब नया बंदा होता है तो वो उसके लिए थोड़ा उसको टाइम लगता है उस उन साइंस को अंडरस्टैंड करना, और इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन उसके लिए कि मैं साइंस को पढ़ूँ या गाड़ी चलाऊँ। तो बट एज यू गेट यूज टू इट आप ऑटोमेटिकली साइंस को रीड कर रहे हैं। और कई दफ़ा मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में, साइंस के बारे में बता सकूँ कि किस साइन का क्या मतलब है, ये रोड यहाँ से ऐसे क्यों है। बट अगेन मेरे लिए शायद कुछ नॉर्मल है, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अटेंशन टू डिटेल्स दूँ, कि छोटी छोटी बातों को ज़रूर बताऊँ, ताकि अगर कोई ड्राइव कर रहा है, करना चाहता है, सीख रहा है, इट वुड बी बिट ईजियर। COVID-19 अभी आपने देखा, जैसे एक बंदा शर्ट उतार के जॉगिंग कर रहा था, सो मास्क उसने नहीं पहना था क्योंकि अभी एज पर रूल्स अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं सो यू हैव द राइट कि आप मास्क ना पहने, क्योंकि इट्स बिट ऑकवर्ड सांस लेने में वॉक जॉगिंग करते हुए, बट वॉक करते हुए यू हैव टू कैरी वन। सो जो जैसे मैंने बताया कि सिटी के पास जगह है एस्कॉट वेल, It's been developed from long time. यहाँ पे घर properties बहुत महंगी भी हैं और बहुत पुरानी हैं। अगर मैं कहूँ पुरानी, तो मैंने खुद एक मुझे मौका मिला था एक दो घरों को देखने का जो कि मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड थे, अच्छे बिल्ड हैं। हमारे भी पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत से ऐसी जगह हैं, घर हैं जहाँ आज भी लोग रह रहे हैं जो कि सेंचुरी ओल्ड हैं, और पुराने बने हुए घर कुछ ज़्यादा मजबूत हैं बनिस्बत आज के घरों से। ये बस स्टॉप है लेफ्ट साइड पे, जहाँ एक बंदा बस का वेट कर रहा था, और ये स्कूल है, नहीं सॉरी एज केयर है मुनी पॉन्स में, ये मुनी पॉन्स से भी हम गुजरे हैं। तो हर इलाके को एक नाम है और ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एसएडएन, मुनी पॉन्स और एस्कॉट वेल। जिस रोड पे अभी मैं जा रहा हूँ उसका नाम है होम्स रोड। सो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये काफ़ी पुराने हैं। अब जिस स्ट्रीट में मैं राइट जा रहा हूँ वो है लॉरा स्ट्रीट, ये देख सकते हैं आप घर, इसकी छत, और सबसे खूबसूरत व्यू ये होता है कि जिस स्ट्रीट को हर दोनों तरफ से ट्रीज ने कवर किया होता है। ये भी कम है, मुझे इस तरह की बहुत सी स्ट्रीट्स देखने का मौका मिला। एक छोटा सा जेस्चर आपको बताता हूँ, सामने गाड़ी आ रही है, मैं रुक गया, उससे मुझे थैंक्स का हाथ उठा के कि आपने मेरा वेट किया। मैंने उसको गाड़ी की लाइट्स डिपर दी थी कि यू कैन कम आई कैन वेट। सो यहाँ पे ये भी बहुत कॉमन जेस्चर है कि मुझे रुकने में शायद एक सेकेंड भी ना लगे, मगर ये एक छोटा सा जेस्चर है जिससे मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जाके उसके सर पर खड़ा हो जाऊँ कि मैं आ रहा हूँ वो आए। सो इट्स बेटर टू गिव वे, लोगों को रास्ता दे, इससे ट्रैफिक भी नहीं होगी, ब्लॉक होगी, और दूसरा क्या कहते हैं, एक अच्छा जेस्चर है, एक अच्छा इम्प्रेशन है कि आप एक अच्छे शहरी हैं। और कई चीज़ें किताबों में नहीं होती, यू हैव टू जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस। ओके वी आर ऑफ टू दिस यूनियन रोड नाउ, ये यूनियन रोड है अगेन। इस ये भी बहुत बिजी रोड था, मगर COVID-19 की वजह से इट्स क्वाइट। और पुराने घरों की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में मैंने एक और बात नोट की है कि उनके घरों में ड्राइववे एसएच फ्रंट पे नहीं था, यानी कि उनकी फ्रंट एंट्रेंस बस एक छोटी सी होती थी और घर लंबे रुख में होता था। तो जो पुराने रुख में, एक तो है कि ड्राइववे है ही नहीं, यानी कि गाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ऑफकोर्स 100 ईयर्स अगो ज़्यादा इतना नहीं था, और जिन्होंने बाद में बनाया या उसको रीमॉडिफाई किया और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज जब न्यू कंस्ट्रक्शन में आए गाड़ियों के लिए, तो वो गाड़ियों की जगह होती थी बैक पे, फ्रंट से आप एंटर हो रहे हैं और बैक पे आपको गैराज की एक ऑप्शन है कि जहाँ से आप गाड़ी को ला सकते हैं। तो बैक का मतलब होता था इस स्ट्रीट की दूसरी साइड पर जो स्ट्रीट है वहाँ से,
सो यूनियन रोड है, ये कमर्शियल रोड है, इसमें बहुत से कैफेज हैं, शॉप्स हैं, इट्स क्वाइट हसल एंड बसल हियर। सो आप देख सकते हैं जैसे हमारे वहाँ नाश्ते का एक कॉन्सेप्ट है, सुबह सुबह नाश्ता जाके करना और रश होता है उस दुकान के बाहर, यहाँ पे कैफेज कॉफ़ी शॉप्स के बाहर होता है, ब्रेड टोस्ट थिंग्स लाइक दैट ये प्रेफर करते हैं ईट करना। सो इट्स क्वाइट लाइट एंड फ्रेश। और गाइड दैट्स फॉर टुडे, we'll bring another video for you. Please don't forget to subscribe my channel, share it, comment it, let me know what else you want to learn more about Melbourne. All right guys, take care, bye.